गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इज इट ऑडिबल? काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। So shall we start? So hello, good morning students. So we are here for a lecture on design of RCC structures. अभी तक हमने design of beams में सबसे पहले beam शुरू किया था, जिसमें we have finished till analysis part, analysis portion देख लिया था last lecture. हमने अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स और बैलेंस सेक्शन अलग अलग देखे थे, और उसके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है बाय कंपेयरिंग एक्स्यू एंड एक्स्यू मैक्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स या बैलेंस है. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कंक्लूजन वी कैन यूज़ द इक्वेशन विच आर गिवन बाय कोड फॉर फाइंडिंग आउट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, सो नाउ इट विल बी डिज़ाइन पोर्शन, डिज़ाइन के लिए जाएंगे. सो डिज़ाइनिंग अ बीम इंक्लूड्स सेवरल कोडल क्राइटेरियाज, जिसमें बहुत सारे कोडल क्राइटेरियाज लाइक व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील विथ व्हाट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, दो स्टील के बीच का डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस क्या रखना चाहिए. सो ऑल दिस क्राइटेरियाज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर डिज़ाइनिंग अ बीम. क्योंकि जब भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमको स्टील है उसका प्लेसिंग करना है, कितना मिनिमम कितना मैक्सिमम, वो सब चीज़ें ध्यान में रख के हमको डिज़ाइन करनी पड़ेगी. ठीक है, so let us move for designing portion. so once again this lecture is really important for fundamental basics of RCC design. आप किसी भी GATE exam या कोई PSU के exam के लिए preparation कर रहे हो, या आप कोई MCQ based exam, जब भी आपकी कोई competitive exam के लिए जब आप जाओगे, this lecture will be really helpful to all the students. so लेट अस मूव अहेड. सबसे पहले चलो, सो हमने लास्ट टाइम देखा था कि देर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ बीम्स. वन इज अंडर रेनफोर्स, सेकेंड इज ओवर रेनफोर्स एंड थर्ड इज बैलेंस सेक्शन. सो दैट वॉज एन एनालिसिस पार्ट. बीम के डिज़ाइन में अगर हम जाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं MU लिम. बैलेंस्ड सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कहते हैं MU limiting. ठीक है, सो दैट वॉज वी आर नोइंग के 0.36 एक्स यू मैक्स बाई डी, 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स बाई डी इंटू बी डी स्क्वायर एफ सी के. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये हो गया मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, बीम की विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ पे डिपेंड करेगा. दूसरा हो जाएगा मेरा फैक्टर्ड डिज़ाइन मोमेंट, फैक्टर्ड डिज़ाइन मोमेंट, एक्चुअल जो मोमेंट मेरा है, जो मेरे स्ट्रक्चर पे लग रहा है वो. लेट अस एज्यूम के कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है विच इज़ सब्जेक्टेड टू से UDL ओवर एंटायर स्पान. UDL का इंटेंसिटी है W, यूनिट पर रन जितना, एंड विच इज़ एक्टिंग ऑन से L मीटर स्पान. सो माई मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8. ठीक है, मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट मेरा हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 जितना, और फैक्टर्ड मोमेंट हो जाएगा फॉर विच वी हैव टू डिज़ाइन, दैट विल बी 1.5 इंटू
1.5 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो ये हो गया मेरा डिज़ाइन मोमेंट, डिज़ाइन फैक्टर, फैक्टर डिज़ाइन मोमेंट एम यू, ठीक है। सो वेन एवर माई एम यू, जिसके लिए मैं डिज़ाइन करना करने वाला हूँ, वेन एवर माई एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग, वेन एवर माई एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग, द सेक्शन विल बी कॉल्ड एज अ, और सेक्शन शैल बी डिज़ाइंड एज अ सिंगली रेनफोर्स बीम। वेन एवर एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग, my section will be considered or designed as a singly reinforced beam, ठीक है। और whenever my mu is greater than mu limiting, that will be called as a doubly reinforced section, or it will be called as a doubly reinforced beam, ठीक है student। so one is a singly reinforced beam एंड सेकेंड इज डबली रेनफोर्स बीम। ना वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगली एंड डबली रेनफोर्स बीम? तो सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या होगा कि सिर्फ टेंशन फेस पे हमारा स्टील जाएगा जो मोमेंट को रेजिस्ट करेगा। आप समझिए, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट लेट अस एज्यूम से सिंपली सपोर्टेड बीम, सो उसमें क्या होगा कि उसका सैगिंग बिहेवियर होगा, टेंशन बॉटम में आएगा, कंप्रेशन टॉप में जाएगा। सो वेन एवर आई कंसिडर द क्रॉस सेक्शन, सो ये क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर यहाँ पर आएगा और बॉटम जो है वो टेंशन में रहेगा। सो यहाँ पे जो स्टील प्रोवाइड करूँगा, इफ़ इट इज़ अ सिंगली रेनफोर्स बीम, टेंशन फेस पे जो स्टील प्रोवाइड करेंगे विच इज़ कॉल्ड से ए एस टी, उतना ही हमको मोमेंट रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। नाउ इट डजेंट मीन दैट कि कंप्रेशन फेस पे कोई स्टील ही नहीं होगा, कंप्रेशन फेस पे भी हमको स्टील तो प्रोवाइड करना ही होगा, बट वेन एवर आई एम प्रोवाइडिंग स्टील ऑन द कंप्रेशन फेस, वो हमने किसके लिए प्रोवाइड किया होगा, तो हमने स्टीरअप्स को, स्टीरअप्स हम जब टाई करेंगे, लेट अस एज्यूम अ स्टीरअप्स विच इज़ यूज फॉर, आप समझिए ये स्टीरअप्स हो गई आपकी शीयर रेनफोर्समेंट, सो स्टीरअप्स को टाई करने के लिए मुझे कंप्रेशन फेस में स्टील चाहिए होगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन रेजिस्टिंग द मोमेंट, ठीक है ना। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगली रेनफोर्स बीम, द स्टील इज प्रोवाइडेड ऑन द टेंशन फेस, बट इट डजेंट मीन दैट कि कंप्रेशन फेस पे कोई स्टील नहीं होगा, कंप्रेशन फेस पे स्टील होगा, ठीक है ना, लेकिन वो मोमेंट को रेजिस्ट करने में आपकी कोई हेल्प करेगा नहीं। बट वेन वी टॉक अबाउट डबली रेनफोर्स सेक्शन, डबली रेनफोर्स सेक्शन हम कब प्रोवाइड करेंगे, आप समझिए कि एम यू इज़ ग्रेटर देन एम यू लिमिटिंग, एम यू लिमिटिंग एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई, लेट अस एज्यूम के बीम की साइज 230 mm है, बीम की डेप्थ जो है वो 450 mm है, इन दैट केस एम यू लिम इज़ फिक्स्ड। नाउ इन दैट केस सपोज हमारा एम यू जो डिज़ाइन मोमेंट है वो एम यू से बढ़ गया, कब बढ़ेगा, वेन वी हैव रिस्ट्रिक्शंस इन साइजिंग, कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में बीम का डेप्थ इससे ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकता, या बीम की विड्थ इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता हूँ, आई हैव लिमिटेड डेप्थ अवेलेबल विथ मी, इन दैट केस हो क्या सकता है, एम यू डिज़ाइन मोमेंट जो है वो आपका एम यू लिम से बढ़ सकता है, एम यू लिम तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इन दैट केस यू मे हैव टू डिज़ाइन अ बीम एज अ डबली रेनफोर्स सेक्शन। डबली रेनफोर्स में क्या होगा, ऑन बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन फेस, टेंशन और कंप्रेशन दोनों फेस पे जो स्टील होंगे बोथ विल बी रेजिस्टिंग द मोमेंट, दोनों मोमेंट को रेजिस्ट करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। सो देयर दिस स्टील द ऑन द इन सिंगली रेनफोर्स बीम, इसको हम कहेंगे ए एस टी, टॉप वाले जो स्टील है उसको हम कह सकते हैं हैंगर बार्स, दोज आर कॉल्ड हैंगर बार्स और एंकर बार्स, हैंगर और एंकर बार्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो सिर्फ एंकरेज के लिए प्रोवाइड किए हैं। क्या किया है, स्टीरअप्स को टाई करने के लिए हमने हैंगर या एंकर बार्स को प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन रेजिस्टिंग द मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। लेकिन जब हम डबली रेनफोर्स बीम की बात करेंगे तो डबली रेनफोर्स बीम में क्या होगा, ऑन बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन फेस वी हैव टू प्रोवाइड द स्टील, कंप्रेशन फेस पे जो होगा उसको मैं कहूँगा ए एस सी और टेंशन पे जो रहेगा उसको मैं कहूँगा ए एस टी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो हियर देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगली एंड डबली रेनफोर्स बीम, राइट नाउ वी आर डीलिंग विद सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली इसके आगे का चैप्टर में हम डबली रेनफोर्स को भी देखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स वेरी क्विकली। इफ एनी डाउट इज देयर काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स वेरी क्विकली। आगे जाएंगे,
मिनिमम टेंशन रेइनफोर्समेंट, मिनिमम टेंशन रेइनफोर्समेंट। नाउ व्हेन एवर वी आर डिज़ाइनिंग एनी सेक्शन, आप समझो बीम डिज़ाइन कर रहे हो, कॉलम डिज़ाइन कर रहे हो, स्लैब डिज़ाइन कर रहे हो, कॉलम में तो कंप्रेशन आएगा, लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फुटिंग या व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीम या व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्लैब, कुछ मिनिमम स्टील हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ मिनिमम स्टील हम प्रोवाइड करेंगे। सो फॉर बीम्स मिनिमम टेंशन रेइनफोर्समेंट के रिलेटेड क्राइटेरिया जो है वो पेज नंबर 46 47 पे हमको दिए गए हैं IS 456 में। द क्राइटेरिया इज AS बाई BD इज इक्वल टू 0.85 बाई FY। क्राइटेरिया क्या है? AS बाई BD इज इक्वल टू 0.85 बाई FY। अभी हम देखेंगे कोड में, लेट मी फिनिश दिस थिंग। सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील हो गया मेरा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अपना हो जाएगा मिनिमम एरिया ऑफ स्टील अपना हो जाएगा 0.85 × BD/FY। दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड दिस मच रेइनफोर्समेंट एज अ मिनिमम रेइनफोर्समेंट इन टेंशन जोन इन एनी ऑफ द बीम। वेन एवर वी आर डिज़ाइनिंग अ बीम, मिनिमम टेंशन रेइनफोर्समेंट हमें इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना? 0.85 × BD/FY। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर एरिया ऑफ टेंशन रेइनफोर्समेंट, मिनिमम इतना एरिया हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस बी इज इफ डेप्थ ऑफ द सेक्शन, सॉरी विड्थ ऑफ द सेक्शन, स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सेक्शन, एंड FY इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील और ग्रेड ऑफ स्टील। चलो, सो इस पर से अगर हम बात करेंगे, सो एक हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील, दूसरा एक जनरली हम यूज करते हैं उसको कहते हैं हम परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील दैट मीन्स अगर मैं टोटल कॉन्क्रीट का एरिया, अगर हम कॉन्क्रीट का एरिया हम ले रहे हैं B × D, कॉन्क्रीट का एरिया हम ले रहे हैं B × D, तो उस कॉन्क्रीट का एरिया सपोज 1000 या 10,000 mm² है, तो उस कॉन्क्रीट के एरिया के रिलेटेड स्टील का एरिया कितना होगा? 1%, 2%, 3%, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ स्टील। सो अगर मैं कॉन्क्रीट के एरिया को ले रहा हूँ B × D, इफेक्टिव एरिया इज, लेट अस एज्यूम से इट इज B × D, सो ए परसेंटेज ऑफ स्टील विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्क्रीट एरिया दैट इज नथिंग बट 100 × AS/BD। ठीक है ना, 100 × AS/BD, दैट मीन्स हो क्या जाएगा कि BD तो कॉन्क्रीट का एरिया है, आप समझो कॉन्क्रीट का एरिया है 10,000 mm², स्टील का एरिया है 100 mm², तो मैं क्या कहूँगा, स्टील का एरिया 100 है, कॉन्क्रीट का एरिया 10,000 है, और इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100%। ठीक है ना, सो दिस इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ स्टील PT। वेन एवर दिस PT टर्म इज यूज वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज PT अगर होगा तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, PC अगर होगा तो दैट विल बी परसेंटेज ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। सो PT इज 100 AS/BD। सो व्हेन आई टॉक अबाउट PT, सो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील वो मेरा हो जाएगा 100 AS/BD, जिसमें 100/BD को अगर हम कॉमन रखेंगे तो AS मेरा मिनिमम जो है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 0.85 × BD/FY। ठीक है, सो इन दैट केस माय मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील शेल बी 85/FY, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील शेल बी 85/FY। ठीक है, ये सो ये आपको कहीं MCQ में पूछा जा सकता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा। नाउ इफ Fe 250 ग्रेड स्टील इज देयर वो हो जाएगा 85/250, इफ Fe 415 इज देयर तो वो हो जाएगा 85/415, और इफ इट इज Fe 500 तो 85/500। सो Fe 250 के लिए वो ऑलमोस्ट होगा 0.34%, Fe 415 के लिए वो होगा 0.2048%, और Fe 500 के लिए उसकी वैल्यू होगी 0.17%। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट यू कैन कैलकुलेट एट योर ओन, आई एम नॉट राइटिंग द थिंग्स। सो ये हो गया मेरा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, दूसरा होगा मेरा मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेइनफोर्समेंट एज वेल एज कंप्रेशन रेइनफोर्समेंट। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन रेइनफोर्समेंट। नाउ पेज नंबर 47 पे कोड क्या कहता है, ऑन पेज नंबर 47 ये सभी चीज़ें मैं एक बार में आपको, कोड जब हम ओपन करेंगे तो एक ही साथ में ये सारे क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील, सो कोड ये कहता है मैक्सिमम टेंशन
रेनफोर्समेंट, शेल बी 0.04 ऑफ बी इंटू कैपिटल डी, मेक श्योर दैट इट इज 0.04 ऑफ ग्रॉस एरिया हियर इन मिनिमम स्टील स्मॉल डी इज यूज देयर, इट इज हियर इट इज इफेक्टिव डेप्थ विच इज यूज ओवर हियर एंड हियर इट इज ओवरऑल डेप्थ. मकवाना किरण कोड इज एब्सोल्युटली अलाउड इन द एग्जाम, डोंट वरी, कोड आपको अलाउ ही रहेगा, लेकिन आई कैन नॉट, मतलब हर बार मैं यहाँ पे कोड ओपन करके दिखा नहीं पाऊंगा, दैट इज वाई. चलो 0.04 बी इंटू कैपिटल डी, सो कैपिटल डी इज नथिंग बट ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन, दिस इज 0.04 ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है ना, 0.04 ऑफ ग्रॉस एरिया, और आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो इट, और इट कैन बी 4% ऑफ ग्रॉस एरिया. Whenever a word gross area is used, it will be B into capital D. Whenever a word effective area is used, it is B into small d. आपको ये समझना होगा कि इफेक्टिव एरिया कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझो दिस इज नथिंग बट ये स्मॉल b into d जो है, दिस इज नथिंग बट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन, ये b into capital D जो है दैट इज़ नथिंग बट माई ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन, ठीक है ना. चलो सो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कोड क्या कहता है कि बियॉन्ड 4% आप कभी भी बीम में उससे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड नहीं कर पाओगे. सिमिलर क्राइटेरिया इज देयर फॉर कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑल्सो, ये कब जरूर पड़ेगी हमको, वेन एवर वी आर डिजाइनिंग अ डबली रेनफोर्स सेक्शन, हमको कंप्रेशन फेस पे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा. इन दैट केस मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर पाएंगे हम, तो मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम कंप्रेशन स्टील दैट इज ऑल्सो 0.04 ऑफ B into capital D or 4% of gross area. ठीक है students, so these are the criteria for minimum and maximum percentage of steel. Let us very quickly move towards the code एक बार देख लेते हैं हम. Now in code on page number 46 के last line अगर हम देखेंगे 26.5.1.1 वहाँ से शुरू हो रहा है 26.5.1.1 टेंशन रेनफोर्समेंट, और वहाँ पे हमको मिनिमम रेनफोर्समेंट के रिलेटेड क्राइटेरिया दिए गए हैं. इफ़ यू कैन सी द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन, और वो फिर 47 पे जा रहा है, 47 पे क्राइटेरिया हमको दिया गया है. हियर इट इज़ रिटन गिवन बाय द फॉलोइंग मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग, इट इज़ ए एस बाई बी डी इज इक्वल टू 0.85 बाई एफ वाई, दिस इज नथिंग बट इस ये किसके लिए है, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए इक्वेशन ये दिया गया है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर उसके आगे हम जाएंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, उसके नीचे ही लिखा है, देखो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शेल नॉट एक्सीड 0.04 बी इंटू कैपिटल डी, पेज नंबर 47 पे दिया है. देखो आपको कोडल क्राइटेरिया जितने मुँह जबन याद रहेंगे उतना आपको एग्जाम में या कहीं पे भी फ्यूचर में कहीं पे भी आपको जब आप करियर रिलेटेड ऑप्शंस चूज कर रहे हैं, कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, या किसी के लिए किसी जगह पे काम कर रहे हो डिज़ाइनिंग फील्ड में, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट ईच एंड एवरी मोमेंट. फिर वहाँ पे हमको कोड लेके बैठेंगे वो ज़रा सूट नहीं करेगा. सो एज एन इंजीनियर मिनिमम परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज ये सब चीज़ें आपको मुँह जबानी याद रहनी चाहिए, फॉर दैट यू डोंट हैव टू यूज़ द कोड. फाइन, सो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 बी इनटू कैपिटल डी इज हियर यूज हियर, वहाँ पे स्मॉल डी वर्ड यूज़ किया था. चलो आगे जाएंगे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए, द सेम क्राइटेरिया इज देयर. आप देखिए द एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 बी इंटू कैपिटल डी, ठीक है ना, 0.4 बी इंटू कैपिटल डी से कंप्रेशन स्टील भी बढ़ना नहीं चाहिए. सो दिस इज द क्राइटेरियाज फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज स्टील और मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एंड टेंशन रेनफोर्समेंट एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन द बीम. चलो सो इतनी बातें समझ में आएंगी. आगे वंस अगेन लेट अस गो बैक टू द प्रेजेंटेशन. सो ये दोनों हो गया. नाउ
वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच शुड बी अंडरस्टूड, मिनिमम मेरा एरिया हो गया AS by BD is equal to 0.85 by FY. आप समझिए मिनिमम एरिया मेरा हो गया है AS by BD equal to 0.85 by FY और उससे मुझे मिल जाएगा मिनिमम एरिया. मैक्सिमम स्टील का एरिया हो गया 4% ऑफ ग्रॉस एरिया और 0.04 ऑफ B into capital D. ठीक है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कोड भले ही हमको कह रहा है कि 4% मैक्सिमम स्टील हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कोड भले ही हमको ऐसा कह रहा है कि वी कैन प्रोवाइड मैक्सिमम 4% स्टील, बट व्हेन वी आर डिजाइनिंग द सेक्शन देर इज़ वन मोर परसेंटेज दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील. देर इज़ वन मोर परसेंटेज विच इज़ कॉल्ड लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, जिससे क्या होगा कि उसके आगे अगर हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, उस रेनफोर्समेंट परसेंटेज के आगे अगर हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, तो मेरा सेक्शन जो है वो क्या होगा, स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करने से टेंशन में रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा, एंड इन दैट केस माई सेक्शन विल बिकम ओवर रेनफोर्स सेक्शन. ठीक है. सो वंस अगेन, एक हो गया मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, ये हो गया 85 बाई FY जितना. एक हो गया मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, वो हो गया 4% ऑफ ग्रॉस एरिया जितना. वन मोर टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील. उससे ज़्यादा अगर हम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो सेक्शन मेरा ओवर रेनफोर्स हो जाएगा. ये 4% जो है वो इन जनरल सभी क्राइटेरियाज के लिए, कोई भी टाइप का बीम हो, 4% की लिमिट हमको दे दी गई है. बट डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, वन मोर टर्म विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन इज लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील. सो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील दैट इज नथिंग बट पीटी लिम. जिससे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करने से क्या होगा, जिससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टील या एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करने से सेक्शन मेरा जो होगा वो ओवर इन्फोर्स हो जाएगा. एंड कोड हमको सीधा सीधा ये कह रहा है, वेन एवर ओवर इन्फोर्स सेक्शन इज देयर यू हैव टू रीडिज़ाइन द सेक्शन. ठीक है ना. तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि सेक्शन को रीडिज़ाइन कब करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ बियॉन्ड 4% ऑफ स्टील और वेदर इट इज़ बियॉन्ड पीटी लिमिटिंग, सो योर आंसर शुड बी पीटी लिम से ज़्यादा अगर स्टील प्रोवाइड करना करेंगे तो सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, नॉट 4%, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि 4% से बहुत कम पीटी लिम मेरा 1 या 1.5% भी हो सकता है, उससे ज़्यादा ओवर इन्फोर्स हो जाएगा. लेट अस सी बाय एन एग्जांपल. फॉर बैलेंस सेक्शन माय कंप्रेशन एंड टेंशन बोथ आर इक्वल. कंप्रेसिव फोर्स रेजिस्टेड बाय कॉन्क्रीट एंड टेंसाइल फोर्स रेजिस्टेड बाय स्टील बोथ आर इक्वल. अगर मेरा एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट या परसेंटेज ऑफ स्टील थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊंगा बैलेंस सेक्शन से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टी मेरा बढ़ जाएगा. इन दैट केस क्या होगा, टी विल बी ग्रेटर देन सी एंड सेक्शन शैल बी डिज़ाइन एज अ ओवर इन्फोर्स सेक्शन. सो सी इज इक्वल टू टी होने के लिए क्या होगा, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू मैक्स, वो हो जाएगा मेरा सी. टी कितना है, 0.87 एफ वाई ए एस टी. ठीक है. दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर बैलेंस सेक्शन. बैलेंस सेक्शन का परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा, इट इज़ पी टी लिमिटिंग. पी टी कितना है, हमने पिछले स्लाइड में देखा था, इट इज़ 100 ए एस अपॉन बी डी. पी टी कितना है, पिछले स्लाइड में देखा था, इट इज़ 100 ए एस अपॉन बी डी. लेट अस यूज दिस वैल्यू ऑफ ए एस और ए एस टी. सो वो होगा कितना, 100 अपॉन बी डी इंटू ए एस दैट इज एरिया ऑफ स्टील. ये ए एस टी का सब्जेक्ट बनाऊंगा और जो इक्वेशन मिलेगा मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू मैक्स अपॉन 0.87 एफ वाई. ठीक है स्टूडेंट्स. इससे जो कोई भी परसेंटेज ऑफ स्टील मिलेगा वो क्या होगा, वो स्टील इतना होगा कि सेक्शन मेरा बैलेंस सेक्शन एज अ बैलेंस सेक्शन बिहेव करेगा. ठीक है. लेट अस एज्यूम कि मेरा एफ सी के का ग्रेड है, कॉन्क्रीट का ग्रेड है 20 एंड स्टील का ग्रेड है 415. इन दैट केस लेट अस पुट दिस टू वैल्यूज इन द इक्वेशन. पी टी लिम मेरा हो जाएगा 100, बी डी ये दोनों
ये बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो एंड ये एक्स यू मैक्स और ये डी को मैं सब्सिट्यूट करूँगा एफ ई 415 के लिए, जो वैल्यू होगा वो 100 इंटू 0.36 इंटू एफ सी के दैट इज 20, राइट नाउ वी आर यूजिंग, अपॉन 0.87, एफ वाई इज 415। पिछले लेक्चर में देखा था एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू, एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू एफ ई 415 के लिए 0.48 था, पेज नंबर 70 आई एस 456 पे था ये, ठीक है ना। सो इफ़ यू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ये कितना हो रहा है फाइंड आउट कीजिए, ये हो जाएगा मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। इतना स्टील प्रोवाइड करने से सेक्शन अपना बैलेंस सेक्शन एज अ बैलेंस सेक्शन बिहेव करेगा, इससे ज़्यादा अगर प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा जैसे ही परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्टील बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील बढ़ेगा तो क्या होगा, 0.87 एफ वाई एस टी बढ़ जाएगा, 0.87 एफ वाई एस टी की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी क्या हो जाएगा, टी विल बी ग्रेटर देन सी, और टी ग्रेटर देन सी होने से क्या होगा, सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माई परसेंटेज ऑफ स्टील विच इज लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील जिसको कहा जाता है, ये कितना आ रहा है। यू सी दिस इक्वेशन, पी टी लिम को फिक्स वैल्यू नहीं होगा, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील बोथ। सो अलग अलग कॉन्क्रीट और स्टील के ग्रेड के लिए वैल्यूज चेंज होती रहेगी, सो इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू कि मैं आपको बता पाऊंगा कि इतना परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग स्टील हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिस इज 0.9597.96%। M20 Fe415 के लिए पी टी लिम कितना है, 0.957%। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स चीज़ को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ बीम्स, फॉर बीम्स। आप समझिए कि लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.957, दैट मीन्स अगर मैं 0.957 के अगर ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करूँगा तो सेक्शन मेरा ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन को तो कोड रीडिज़ाइन करने के लिए कहता है। सो जो मैक्सिमम स्टील अपना जो 4% का क्राइटेरिया था वहाँ तो हम जा ही नहीं पाएंगे इस ग्रेड के साथ, ठीक है। सो वेन एवर यू आर यूजिंग M20 एंड Fe415, हमारे लिए अब मैक्सिमम कितना सील हो जाएगा, 0.957%, नॉट 4%। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, से Fe20 की जगह 25 करेंगे, 30 करेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, काइंडली राइट। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ सील का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, 4% हमको कोड कह रहा है मैक्सिमम सील, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो एक हो गया मिनिमम परसेंटेज, एक हो गया मैक्सिमम परसेंटेज, और इन बिटवीन कहीं पे है हमारा लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील या कंक्रीट के लिए अगर आपको लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, आपको क्या करना है, कंप्रेशन और टेंशन को इक्वेट करना है, उसमें से जो एएसटी का वैल्यू आ रहा है उसको पीटी के इक्वेशन में पुट अप करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट पीटी लिमिटिंग। आई कैन आस्क यू द एमसीक्यू दैट what will be the percentage of limiting percentage of steel, but I can use the M60 and Fe500, ठीक है ना। सो उसके लिए मेरा PT limiting को change होता जाएगा। शैलेश योर क्वेश्चन इज बट वाई अर्लियर लिमिट इज रिक्वायर्ड, आप समझिए 4% आप when I use M से instead of M20, इफ आई यूज M80 M100 तो ये PT लिमिटिंग 4.5% जितना हो जाएगा। देयर यू कैन यूज 4% लिमिट ऑल्सो, समझ रहे हो आप। PT लिमिटिंग किसके लिए है, वो है हमारा अंडर इन्फोर्स ओवर इन्फोर्स के लिए। ओवर इन्फोर्स को कोड क्या कह रहा है, आपको रिडिजाइन करना है। अगर ये ग्रेड ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट के साथ अगर हम चेंज करेंगे, प्ले करेंगे, तो इट मे बी पॉसिबल कि M80 के लिए, आप समझो सीधा M80 ले रहा हूँ, तो M80 के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंस्टेड ऑफ 2080, सो दिस विल बी 0.957 इंटू 4, सो वो ऑलमोस्ट 4% के नज़दीक चला जाएगा। सो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और स्टील को चेंज करने से ये चीज़ें चेंज होगी, ठीक है ना। स्टील का ग्रेड बढ़ेगा तो परसेंटेज ऑफ स्टील कम होगा, स्टील का ग्रेड बढ़ने से आप समझिए कि Fe500 पे मैं जाऊँगा तो ये जो है वो 0.46 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो होगा 415 की जगह 500 हो जाएगा। सो पीटी लिम जो होगा अपना थोड़ा नीचे आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ 250 जैसे ही करूँगा, आप समझिए कि यू फाइंड आउट M20 एंड Fe250, सो ये तुरंत वैल्यू कितना होगा,
ये 250 के लिए 0.53 है और यहाँ 415 डिनोमीटर में क्या होगा, 415 की जगह 250 आएगा, सो ये वैल्यू जो है अपने आप बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सील एंड लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ सील। लिमिटिंग किसके लिए है? बैलेंस सेक्शन के लिए है, उससे ज़्यादा जाएंगे तो ओवर इन्फोर्स हो जाएगा। 4% इज एन इन जनरल क्राइटेरिया, ये ग्रेड टू ग्रेड चेंज होता रहेगा पीटी लिमिटिंग। सो अब क्लियर है? नेक्स्ट इज साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट दैट मीन्स व्हेन एवर आई एम यूजिंग अ बीम, लेट अस अज्यूम अ बीम लाइक दिस, ठीक है। सो अ बीम कैन बी अ रेक्टेंगुलर ऑल्सो। अ बीम इज जनरली कास्टेड अलॉन्ग विथ स्लैब, स्लैब के साथ कास्ट होता है, सो इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड अ फ्लेंज्ड बीम। बीम जनरली स्लैब के साथ कास्ट होता है, सो ये मेरा स्लैब हो गया, दिस इज द रेक्टेंगुलर बीम। और सपोज एक सिंपल रेक्टेंगुलर बीम है, दोनों केस में ले लेता हूँ। वेन एवर इट इज अ फ्लेंज बीम, दिस सेक्शन और दिस स्लैब इज कॉल्ड फ्लेंज, दिस इज कॉल्ड टी बीम ऑल्सो एंड दिस इज कॉल्ड अ वेब, ठीक है ना। वेन एवर आई एम टेकिंग एन आई सेक्शन और टी सेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको जनरली हम फ्लेंज कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेब। सो कोड क्या कहता है कि वेन एवर द डेप्थ ऑफ द वेब, वेन एवर द डेप्थ ऑफ द वेब, इट मे बी अ टी सेक्शन, इट मे बी अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बात करें तो डेप्थ ऑफ वेब मतलब ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। वेन एवर द डेप्थ ऑफ वेब इज एक्सीडिंग 750 mm, जब भी वेब का डेप्थ 750 से ज़्यादा होगा, कोड ये कह रहा है कि सेक्शन जो है यहाँ से लेटरली भी बकल हो सकता है। बीम जो होगा, एक्चुअली ये बीम मेरा यूँ है, वो उसका अलॉन्ग द लेंथ जो है वो उसका बेंडिंग होगा, लेकिन वेन एवर डेप्थ इज टू मच हायर ऑन द हायर साइड, इट मे बी पॉसिबल कि बीम का इस एक्सिस पे साइड में भी बकलिंग हो सकता है। एंड टू प्रिवेंट दैट लेटरल बकलिंग ऑफ द बीम यू मे हैव टू प्रोवाइड साइड फेस रीइन्फोर्समेंट। तो कोड क्या कहता है, पेज नंबर 47 पर ही है, कोड ये कहता है कि हमारे पास ये लेट अस अज्यूम कुछ सिंगली रीइन्फोर्स बीम है, तो हैंगर बार्स प्रोवाइड किए हैं, दिस इज माई सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये टेंशन वाले स्टील हो गए, ये मेरा हो गया सिंगली होगा तो ये हैंगर बार्स होंगे, डबली रीइन्फोर्स होगा तो वो कंप्रेशन स्टील होगा, कुछ भी टॉप और बॉटम का तो स्टील ओवरऑल प्रोवाइड किया ही है। इफ़ द डेप्थ इज ग्रेटर देन 750 mm, इफ़ द डेप्थ इज ग्रेटर देन 750 mm, 750 mm से ज़्यादा डेप्थ इसमें है या इसमें भी, ये वेब की डेप्थ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेब, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 750 mm, इन दैट केस यू मे हैव टू प्रोवाइड और यू विल हैव टू प्रोवाइड साइड फेस रेनफोर्समेंट। वेन एवर द डेप्थ ऑफ द वेब इज ग्रेटर देन 750 mm, साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। कितना चाहिए होगा? तो साइड फेस रेनफोर्समेंट हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, दिस इज नथिंग बट साइड फेस रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट ने कितना एरिया चाहिए होगा, तो कोड यूं कह रहा है कि मिनिमम एरिया फॉर साइड फेस रेनफोर्समेंट, मिनिमम एरिया फॉर साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ वेब एरिया। कितना कह रहा है कोड? 0.1% ऑफ वेब एरिया से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट मीन्स लेट अस एज्यूम कि सपोज ये मेरा डेप्थ जो है बीम का, ये मेरा डेप्थ जो है बीम का वो लेट अस एज्यूम के 800 mm है, इट इज़ ग्रेटर देन 750 mm, लेट अस एज्यूम ये 800 mm जितना है, और ये जो है ये है 300 mm, ठीक है। सो सेक्शन मेरा हो गया 750 से ज़्यादा, 750 से ज़्यादा जब भी होगा, कोड सिंपली ऐसा कहता है कि हमको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, कितना? 0.1% ऑफ वेब एरिया जितना। लेट अस फाइंड आउट कितना होगा, सो वो साइड फेस स्टील मेरा होगा, एरिया ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट दैट इज 0.1% ऑफ वेब एरिया,
सो वो हो जाएगा 300/800 का 0.1%, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 240 mm square। ठीक है ना, हमको एज अ साइड फेस रेनफोर्समेंट 240 mm square स्टील प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने देखे थे अलग अलग बार्स और उसके सामने एरिया। अगर मेरा बार 8 mm का होगा तो उसका एरिया 50 समथिंग था, अगर मेरा एरिया 10 mm का था तो मेरा बार का एरिया 78.5 था, अगर 12 mm डायमीटर बार वॉज देयर 113 mm square एरिया वॉज देयर। सो हमको 240 mm square स्टील जो है वो प्रोवाइड करना है। सो हम कितने बार्स प्रोवाइड करेंगे? सो 4 नंबर्स ऑफ 10 mm डायमीटर बार प्रोवाइड करें। आप समझो ये रिक्वायर्ड स्टील है, इतना हमको चाहिए, हम उससे ज़्यादा थोड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, एग्जैक्ट स्टील प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा कि लेट अस प्रोवाइड 3.6 नंबर्स ऑफ बार्स, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो हम क्या करेंगे, चार बार्स प्रोवाइड कर देते हैं 10 mm डायमीटर के। 10 mm के एक का एरिया है 78.5, मतलब 10 mm के अगर चार स्टील बार्स अगर हम लेंगे तो उसका एरिया होगा 314 mm square। ठीक है, 314 mm square। वाई आई हैव ऑप्टेड फॉर 4 नंबर्स ऑफ 10 mm डायमीटर बार्स, क्यों हमने 5-8 के नहीं लिए हैं? आई कैन गो फॉर 5 नंबर्स ऑफ 8 mm डायमीटर बार्स ऑल्सो, जिसका एरिया हो जाएगा 5 × 50, 250 mm square। लेकिन कोड क्या कहता है कि जो आप ये 0.1% स्टील साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो, इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ द फेसिस, दोनों फेस पे इक्वली डिवाइड करने हैं। दैट मीन्स अगर मैं 5 बार्स लूँगा 8 mm के, हुज एरिया इज 5 × 50, जितना 250 जितना होगा, मेरा रिक्वायर्ड 240 है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ढाई ढाई एक दोनों फेस पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 3+2 कोड ने ना कहा है, कोड क्या कहता है कि इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड ऑन बोथ द फेसिस। दैट इज़ वाई वॉट आई हैव टू डू इज आइदर आई हैव टू गो फॉर 4 नंबर्स ऑफ 10 mm डायमीटर बार्स और आई हैव टू गो फॉर 2 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स। अगर मैं 2 12 के लूँगा तो एरिया कितना होगा, 2 × 113, तो वो हो जाएगा 226, जो मेरा रिक्वायर्ड से कम है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, सो देर आर सो मेनी ऑप्शन अवेलेबल विथ यू, यू हैव टू चूज एन ऑप्शन विच इज रिलेवेंट विथ योर कोडल क्राइटेरिया। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, रिक्वायर्ड जो होगा 240 उससे ज़्यादा प्रोवाइड करना है, कम नहीं कर सकते, और जो प्रोवाइड करना है उस स्टील को दोनों फेस पे इक्वली प्रोवाइड करना होगा। सो हियर व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, दोनों फेस पे लेट अस अस्यूम हियर, दोनों फेस पे मतलब ये 2+2 = 4 हो गए, 4 नंबर्स ऑफ 10 mm डायमीटर बार्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आएगा साइड फेस रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम कोड जो है वो ओपन कर रहे हैं। इफ एनी डाउट इज देयर काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स वेरी क्विकली। पेज नंबर 47 पर ही है ये क्राइटेरिया, साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस एनफोर्समेंट का क्राइटेरिया मेरा हो गया, वेर द डेप्थ ऑफ द वेब इन अ बीम एक्सीड्स 750 mm, हमने देखा कि 750 से ज़्यादा अगर आपका डेप्थ हो रहा है, साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग द टू फेसिस, दोनों फेस पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्यों, लेटरल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। द टोटल एरिया, और वहाँ पे क्रैक्स होंगे, आप समझिए कि जितना बीम का डेप्थ ज़्यादा होगा लेटरल बकलिंग की वजह से यहाँ पे क्रैक, वहाँ क्रैक डेवलप होंगे, और मेनली हम स्टील क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्क्रीट में, टू प्रिवेंट द क्रैक्स विच आर डेवलपिंग इन द कॉन्क्रीट। सो द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसिस एट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसिस। अब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, द स्पेसिंग नॉट एक्सीडिंग 300 और वेब थिकनेस विच एवर इज लेस। ठीक है ना, हमने जो बार्स प्रोवाइड करे थे इट वॉज, आप समझिए कि 800 mm का था सेक्शन मेरा और ये था 300 mm। सो हमने दो साइड फेस रेनफोर्समेंट यहाँ पे रखे थे, दो हमने यहाँ पे रखे थे, तो कोड क्या कहता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 300 mm, दैट इज दिस वन, नॉट एक्सीडिंग 300 mm, 300 mm, और वेब थिकनेस, अब लकीली क्या है कि हमारा वेब थिकनेस भी यहाँ 300 mm ही है,
300 mm या वेब थिकनेस, उन दोनों में से जो कम होगा, लेट अस एज्यूम कि मेरा वेब थिकनेस अगर 250 mm होता तो क्या होता, 300 mm दैट इज गिवन ओवर हियर, एंड वेब थिकनेस कितना होता, 250, उन दोनों में से जो कम है दैट इज से 250 mm, विच एवर इज लेस, उन दोनों में से जो कम है उतना डिस्टेंस हमको इस दोनों के बीच में रखना होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर देने का कि ये बार जो है, ये वाला बार और ये वाला बार, उनको टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट साथ मर्ज कर दो आप, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ऐसा अगर आप कर दोगे, ये सेक्शन मैंने ले लिया, ये सेक्शन ले लिया, ये मेरे हैंगर बार्स हो गए, ये मेरा स्टील टेंशन वाला हो गया, ठीक है। सो हमको फिर साइड फेस रेनफोर्समेंट उनके साथ में नहीं रखने हैं। द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग साइड फेस रेनफोर्समेंट इज दैट कि ये डेप्थ में कहीं पे क्रैक ना डेवलप हो। सो उसको हमको सेंटर में ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे, पूरा ऊपर या नीचे नहीं प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, सो ये क्राइटेरिया हो गया साइड फेस रेनफोर्समेंट का। लेट अस मूव अहेड, देर आर सो मेनी क्राइटेरियाज रिलेटेड टू बीम स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्राइटेरियाज है। सो इट मे बी पॉसिबल वी मे हैव टू अरेंज सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऑल्सो, बिकॉज दिस शुड बी अंडरस्टूड एट दिस लेवल। इसको सीधा एग्जाम्पल के साथ लिंक कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्यों ये चाहिए होंगे। नेक्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स, ठीक है। लेट अस एज्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एज्यूम के एक बीम हो गया मेरा जिसकी विड्थ है से 250 mm, जिसकी विड्थ है 250 mm। आई हैव टू प्रोवाइड आफ्टर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बाद हमको इसमें से 7 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स प्रोवाइड करने हैं। डिज़ाइन मैंने किया, डिज़ाइन करने के बाद रिक्वायर्ड सील मेरा कितना आएगा, लेट अस एज्यूम के 7 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स मुझे प्रोवाइड करने हैं। आई एम कास्टिंग द लास्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, सो मेरे पास जितना भी स्टील है वो सब मुझे यूज़ कर देना है ताकि मेरा कोई वेस्टेज ना हो। सॉरी, सो आई हैव टू प्रोवाइड से 7 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स, ठीक है। मुझे 7-12 के रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड करने हैं। आई हैव टू अकोमोडेट दोज बार्स इन टू 250 mm विड्थ, ठीक है। सो अगर हम इसको प्रोवाइड करने जाएंगे इस एग्जाम्पल के साथ, इसके साथ बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज भी जुड़े हुए हैं, आप ध्यान से ये देखिएगा और समझिएगा। 7 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स आर टू बी प्रोवाइडेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर आई एम अरेंजिंग द बार्स, यहाँ पे साइड पे मुझे कुछ कवर चाहिए होगा, कवर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। मिनिमम कवर बीम के लिए 15 mm या 20 mm होता है जनरली, क्लियर कवर मतलब बीम के कोई भी फेस से मिनिमम आप 15-20 mm अंदर आप रेनफोर्समेंट बार रखोगे। सो आप समझिए कि 20 mm स्पेसिंग या 15 mm यहाँ पे छोड़ दिया है, 15 mm मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। आई कैन नॉट मतलब सीधा बार मेरे फेस पे चला आएगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ बार आपके अंदर होंगे। कवर के रिलेटेड बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो भी हम देखने ही वाले हैं। दिस इज़ इन रफ लेमेंस लैंग्वेज के थोड़े अंदर हम रख रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट इज़ कवर, वो डेफिनेशन कोड के हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम दोनों साइड पे 20-20 mm कवर इज देयर, इट शुड बी यूनिफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स। सो 20-20 mm के या 15-15 mm के जो कोई भी एक कवर ले लिए, ठीक है।
अब ये दोनों कवर को डिडक्ट करने के बाद मेरे पास जगह कितनी रह जाएगी। सो मेरे पास जगह रहेगी 250 माइनस 2 टाइम्स 20 mm, इतना स्पेसिंग मेरे पास रह गया। ठीक है, नाउ वेन एवर आई एम प्रोवाइडिंग 7 नंबर्स ऑफ बार्स, जब भी मैं सात, लेट अस अज्यूम मैं 3 बार्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो 3 बार्स के बीच में 2 स्पेसिंग होंगे, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन बार्स। सो वेन आई एम गोइंग फॉर 7 नंबर्स ऑफ बार्स, देर विल बी 6 नंबर्स ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द बार्स, दो कंजिक्यूटिव बार्स के बीच में 6 स्पेसिंग होंगे। सो एक स्पेसिंग का डिस्टेंस कितना होगा, इंडिविजुअल स्पेसिंग बिटवीन 2 बार्स शैल बी इक्वल टू 250 का मेरा बीम का विड्थ हो गया, दो साइड के कवर मिटा दो 20 mm के, ठीक है, सात मेरे 12 mm के रेनफोर्समेंट बार्स है वो हटा देता हूँ क्योंकि वो भी कुछ जगह रोकेगा मेरी। सो 250 माइनस 40 दैट इज 210, माइनस 12 इंटू 7 दैट इज 84, सो 210 माइनस 84 वो हो जाएगा 126 जितना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि 6 नंबर्स ऑफ स्पेसिंग्स आर देयर। सो ये मेरा इंडिविजुअल स्पेसिंग हो जाएगा, मेरा इंडिविजुअल स्पेसिंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बार्स वो हो जाएगा 126 बाय 6 दैट इज 21 mm, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इतनी जगह 2 कंसेक्यूटिव बार्स के बीच में है। नाउ व्हाई दिस एग्जांपल इज टेकन, आप समझिए कि जब भी हम मिनिमम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीगेट के साइज के साथ जुड़ा हुआ है। वेन एवर आई एम कास्टिंग अ बीम, मैं ऊपर से कॉन्क्रीट डालूंगा, अगर मेरे 2 कंसेक्यूटिव रेनफोर्समेंट बार्स के बीच में सफिशियंट जगह नहीं होगी तो क्या होगा, कॉन्क्रीट जब हम ऊपर से डालेंगे ये दोनों रेनफोर्समेंट बार्स के बीच में मेरा कॉन्क्रीट जो है फंस जाएगा एग्रीगेट, और मेरा क्या होगा, इस लेयर के नीचे सिर्फ मेरा सैंड वाटर और सीमेंट की स्लरी ही जाएगी, एग्रीगेट सारे ऊपर रह जाएंगे, एंड विच इज़ जनरली कॉल्ड एज अ सेग्रीगेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सो वाई मिनिमम स्पेसिंग इज रिक्वायर्ड, सो मिनिमम स्पेसिंग क्यों रिक्वायर्ड है, सो दैट एग्रीगेट सभी जगह पे आपके कोर्स एग्रीगेट जो बड़े वाले हमारे होते हैं वो सभी जगह पे इक्वल अमाउंट में कॉन्क्रीट का कॉम्पैक्शन हो पाएगा और इक्वली कॉन्क्रीट सभी जगह पे फैल जाएगा। सो नाउ दिस 21 mm स्पेसिंग इज देयर, कोड क्या कहता है, कोड 3 क्राइटेरिया देता है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 बार्स, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 पैरेलल बार्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 बार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो कोड क्या कहता है, 3 क्राइटेरिया देता है, फर्स्ट इज डायमीटर ऑफ बार इफ डायमीटर आर इक्वल, सभी मेरे इक्वल डायमीटर के बार है तो बार डायमीटर जितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, दैट इज इन दिस केस 12 नंबर 7 नंबर्स है 12 mm डायमीटर के, सो डायमीटर ऑफ बार इज 12 mm। सेकेंड कोड क्या कहता है, डायमीटर ऑफ बार इफ डायमीटर आर अनइक्वल, अगर ये दोनों अनइक्वल है, अगर ये दोनों मतलब सपोज 7 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स नहीं है, कुछ ऐसा मैंने प्रोवाइड किया है कि वहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार्स है प्लस 2 नंबर्स ऑफ 16 mm डायमीटर बार्स है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बार इज यूज, इन दैट केस क्या होगा, लार्जर डायमीटर ऑफ द बार अमॉन्ग द ऑल। सो इन दोनों को क्लब करके मैं एक ही यूज़ करता हूँ जनरली, आई जनरली यूज एज लार्जर डायमीटर ऑफ द बार, इक्वल या अनइक्वल होगा जो कोई भी होगा वो हम देख लेंगे, लार्जर डायमीटर ऑफ द बार दैट इज माई फर्स्ट क्राइटेरिया, कोड ये दो अलग अलग देता है। एंड थर्ड क्राइटेरिया, 5 mm मोर देन मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm, ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा, दैट इज लार्जर ऑफ थ्री, इन तीनों में से सबसे बड़ा जो होगा और लार्जेस्ट अमॉन्ग दिस थ्री शैल बी कंसिडर्ड एज मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल बार्स। अगर आप कोर्स एग्रीगेट को लेंगे तो मेरे कोर्स एग्रीगेट 2 साइज के आते हैं जनरली विच वी यूज इन कॉन्क्रीटिंग, 1 इज 10 mm एंड 2 इज 20 mm। अगर मैं 10 mm की ग्रीट यूज़ करता हूँ, 10 mm को कहते हैं हम ग्रीट और 20 mm को कहते हैं कपची, अगर मैं 10 mm की ग्रीट यूज़ करता हूँ तो इस केस में क्या होगा, डायमीटर ऑफ बार इज 12 mm, लार्जर डायमीटर को लार्जर वाला ही 12 mm हो जाएगा,
मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इफ आई एम यूजिंग 10 mm डायमीटर, 10 mm एग्रीगेट साइज, तो ये 10 + 5 = 15 हो जाएगा। इन दोनों में से जो बड़ा होगा दैट इज 15 mm, उतनी मिनिमम जगह चाहिए, देन दिस 21 mm इज सफिशियंट फॉर अस। लेकिन अगर हम 20 mm, जनरली 20 के ही यूज़ करते हैं हम, 10-20 मिक्स करते हैं, सो अगर मेरे 20 mm के एग्रीगेट साइज मैक्सिमम होंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 25 mm। इन दैट केस मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए होगा दो बार्स के बीच में, दैट इज 25 mm, और उस केस में मेरा ये 21 mm जो है वो नहीं चलेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल बार्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बार, और सेकेंड इज मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। सो इन दिस केस व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे 5-7 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार एक लेयर में मैं नहीं रख पाऊंगा, तो व्हाट आई शुड डू, मुझे 7-12 के ही यूज़ करने हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा एरिया हो तो आप बड़ा 7 नंबर्स ऑफ 12 mm डायमीटर बार की जगह मैं 4-16 के यूज़ कर सकता हूँ, एरिया उसका अगर सेम होगा तो। बट आई वॉन्ट टू, आई स्ट्रिक्टली वॉन्ट दिस अरेंजमेंट, मतलब 7-12 के ही यूज़ करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेटस गो फॉर, आप समझ लीजिए कि ये क्राइटेरिया किसके लिए है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल बार्स शैल नॉट बी लेस देन दिस 3 क्राइटेरियाज। अब क्या करूँगा, ये तो मैच नहीं हो रहा है, मुझे 20 mm के एग्रीगेट यूज़ करने हैं, दैट मीन्स 25 mm मेरा डिस्टेंस मिनिमम होगा। इन दैट केस व्हाट आई शुड डू, नेक्स्ट क्या करूँगा, 7 मेरे को अरेंज करने हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अरेंज द बार इन टू लेयर्स, दो लेयर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं हम। लेट अस अस्यूम ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं, 4+3 का अरेंजमेंट कर रहे हैं हम। सो कोड क्या कहता है, दिस अरेंजमेंट इज रॉन्ग व्हेनेवर वर्टिकल बार्स, व्हेनेवर टू रोज ऑफ द बार्स और टू लेयर्स ऑफ द बार्स आर टू बी प्रोवाइडेड, बार्स मस्ट बी प्रोवाइडेड वर्टिकली इन वन लाइन। नहीं तो क्या होगा, जब भी हम ऊपर से कॉन्क्रीट करेंगे यहाँ पे ये बार के बीच में कॉन्क्रीट फंस जाएगा। सो कोड क्या कहता है, बार्स मस्ट बी वर्टिकली इन वन लाइन, एक लाइन में होना चाहिए, तो ये नहीं होंगे, 4+3 का अरेंजमेंट गलत है, चलो मतलब इन दिस वे इट इज़ रॉन्ग। लेट अस अस्यूम हम यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 4 हो गए मेरे, ये 3 कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये भी गलत है। कोड क्या कहता है, सेंट्रोइड ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का सेंट्रोइड अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से जाएगा, कॉन्क्रीट का सेंट्रोइड कहाँ से जाएगा, 250 के सेंटर से जाएगा, और सेंट्रोइड ऑफ द स्टील, अगर स्टील की बात करूँ तो स्टील में क्या हो रहा है, इस साइड पे दो बार ज़्यादा है, तो स्टील का सेंट्रोइड कहीं यूं शिफ्ट हो जाएगा साइड पे, तो कोड क्या कहता है, सेंट्रोइड ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट एंड स्टील मस्ट कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब वो एक ही लाइन में रहना चाहिए, तो ये अरेंजमेंट भी गलत है। सो व्हाट आई कैन डू इज, और आगे क्या कर सकता हूं मैं, आई कैन गो फॉर एन अरेंजमेंट ऑफ 5+2। अब देखिए कंक्रीट और स्टील का सेंट्रोइड कहाँ से जाएगा, ये सेंटर वाले बार से निकलेगा, बार्स आर वर्टिकल इन वन लाइन ऑल्सो, सो ऑल दिस ऑल टू क्राइटेरियाज आर सेटिस्फाई। नाउ व्हाट, नाउ इफ बार्स आर प्रोवाइडेड इनटू टू लेयर्स, तो कोड क्या कहता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, हमने अभी जो देखा था वो कहाँ देखा था, हॉरिजॉन्टल देखा था, वर्टिकली अगर हम दो लेयर में प्रोवाइड कर रहे हो तो उन दो बार्स के बीच का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल बार्स, बार्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, समझिए कोड पहले क्या कहता है, बार्स मस्ट बी वर्टिकल इन वन लाइन, सेंट्रोइड मैच होना चाहिए, अगर ये हो रहा है फिर हम मिनिमम डिस्टेंस के लिए जाएंगे। कोड के क्राइटेरिया 3 है, पहला क्राइटेरिया है डायमीटर ऑफ लार्जर बार, सेकेंड क्राइटेरिया है 2/3 ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज का 2/3, और थर्ड मेरा हो गया 15 mm, कोड ने ये कहा है। इन तीन में से जो सबसे बड़ा होगा दैट इज लार्जेस्ट ऑफ दिस 3, इन तीन में से जो लार्जर होगा शेल बी, और इन तीन में से जो सबसे बड़ा होगा उतना मिनिमम डिस्टेंस वर्टिकली आपको चाहिए होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस 2 क्राइटेरियाज आर देयर इन द कोड, फटाफट उसको हम देख लेते हैं। इफ़ एनी डाउट्स आर देयर काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं, कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। पेज नंबर 45 पर आप देखिए हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए डायमेंशन दिए गए हैं, पेज नंबर 45 पर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 3+3+1 नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स यू शुड अंडरस्टैंड, एक बार अकेला कैसे रखोगे आप,
यू कैन नॉट अरेंज 3+3+1। मेरे दो क्राइटेरिया है वो आप समझ लीजिए, 3+3+1 आप कैसे अकोमोडेट करोगे, ज़रा वो सोच के आप ड्रॉ करके देखिए। चलो 26.3.2 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स, 26.3.2 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स, उसमें अगर हम देखेंगे तो द क्राइटेरिया इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेनफोर्समिंग बार शैल नॉट बी यूजुअली ग्रेटर देन द फॉलोइंग। तीन क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं, पेज नंबर 45 पर एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। सेकेंड पेज नंबर 46 पर वर्टिकल के लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं, लेट अस गो ऑन पेज नंबर 46। 46 पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये सी करके क्राइटेरिया है एक, आप देखिए 46 पे है ये, व्हेन देयर आर टू और मोर रोज ऑफ द बार्स द बार शैल बी वर्टिकली इन लाइन एंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बार शैल बी 15 mm, 2/3 ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट और मैक्सिमम साइज ऑफ द बार विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो दिस टू क्राइटेरियाज आर रियली इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर डिजाइनिंग द बीम्स। आपको समझ में आना चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस क्यों चाहिए दो बार्स के बीच में, सो दैट कॉन्क्रीटिंग कैन बी डन यूनिफॉर्मली, ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर स्टूडेंट्स, सो इफ एनी डाउट्स आर देयर काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स वेरी क्विकली और एल्स वी विल रैप अप अवर लेक्चर। कमेंट बॉक्स में कुछ हो तो फटाफट, इफ एनी डाउट्स आर देयर काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स और एल्स विल एंड अवर लेक्चर। ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।